अगर वो कोविड निगेटिव आते हैं तो नॉन कोविड अस्पताल में, और कोविड पॉजिटिव आते हैं तो तत्काल वहाँ से उनका रेफरल और उनको कोविड अस्पताल में उनके चिकित्सक कंडीशंस के अनुरूप भर्ती कराया जाना सुनिश्चित किया जाता है। इन्हीं सब चीज़ों के अंतर्गत जिन चार कोविड अस्पतालों को नोटिस दिया गया है एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत, जिसमें चंदन हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, मेयो हॉस्पिटल और चरक हॉस्पिटल हैं, इन जगहों पर प्रथम दृष्टया यह पाया गया जाँच में कि कतिपय संख्या में व्यक्ति जो नॉन कोविड अस्पताल में आए थे उनका इन मानकों को पूर्ण नहीं किया गया। तत्काल प्रभाव से होल्डिंग एरिया ट्रायल एरिया में रख के पूर्ण उपचार प्रारंभ नहीं करना, या तत्काल प्रभाव से उनका कोविड टेस्ट नहीं कराना, या टेस्ट कराने के बाद रिजल्ट जब आता है तो उसके तत्काल बाद एज पर द प्रोटोकॉल कोविड अस्पताल में रेफर न करना, इन सब में लापरवाही के अंतर्गत यह कारण बताओ नोटिस एपिडेमिक एक्ट में निश्चित किया गया है। जैसे ही और आपको बता दें, सुना आपने प्रशासन अधिकारी का क्या कुछ कहना है। नोटिस दिया गया है चार अस्पतालों को, कारण बताओ नोटिस दिया गया है। अब इसके बाद देखने वाली बात होगी कि इन चार प्राइवेट अस्पतालों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है, क्या रुख देखने को मिलता है। चार प्राइवेट अस्पतालों में 48 कोविड 19 के मरीज रेफर और भर्ती किए गए थे, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। मरीजों की इस तरह से मौत पर जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने चारों प्राइवेट अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया, स्पष्टीकरण मांगा है। और बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब। भट्ट साहब, कोरोना काल के बीच जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना से संबंधित लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, चाहे वो घोटाले को लेकर बात हो, लापरवाही को लेकर बात हो, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बात हो, और जिस तरह से मरीजों के आंकड़ों की बढ़ोतरी लगातार हो रही है, इससे संबंधित खबरें भी आ रही हैं, लेकिन चार अस्पतालों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है और 48 मरीजों से ये मामला जुड़ा हुआ है। रेफर किया जाता है, इलाज किया जाता है, इलाज के दौरान चार मरीजों की मौत भी हो जाती है, इस तरह के मामले भी निकलकर सामने आ रहे हैं। और प्रशासन भी इसको लेकर काफी सतर्क और गंभीर है, लेकिन चिंताएं बढ़ती नजर आ रही है प्रशासन की, और इसके चलते अब कारण बताओ नोटिस भी चार अस्पतालों को दिया गया है। क्या कहें इसे लेकर? पहले तो समझना हो जी कि लखनऊ में लगातार 1000 के आसपास मरीज हर रोज पाए जा रहे हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, बड़ा शहर है, महानगर है, बड़ी आबादी है। स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ निवास करते हैं, पूरा सरकारी अमला उत्तर प्रदेश में लखनऊ में निवास करता है, और लखनऊ में जिस तरह से मरीजों का बढ़ना निश्चित रूप से कहीं स्वास्थ्य सेवाओं को कमजोर दर्शाता है जी। इसी के क्रम में लगातार सरकार ने यह प्रयास किया कि जो लखनऊ शहर के जो नर्सिंग होम है, बड़े अस्पताल हैं, उनको कोविड की जांच के लिए, कोविड के इलाज के लिए परमिट किया जाए, अनुमति दी जाए। और उसी के क्रम में लखनऊ के जो ये चार अस्पताल हैं, अपोलो हॉस्पिटल, चंदन हॉस्पिटल, मेयो हॉस्पिटल, इनको अनुमति दी गई कि आप कोविड के मरीजों का इलाज करें। और जो सरकार की गाइडलाइन है, जिला प्रशासन मुख्य चिकित्सा अधिकारी की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के हिसाब से कोविड के मरीजों की जांच करके आइसोलेशन करें और उनका इलाज करें। लेकिन अभी कुछ दिनों से ये देखने में आ रहा है कि लगातार जो ये कोविड के हॉस्पिटल हैं, खासतौर पर मेयो हॉस्पिटल की और चंदन हॉस्पिटल की, इनकी लगातार शिकायतें आ रही हैं। चूंकि ये लखनऊ शहर के बड़े अस्पताल हैं, पूरी तरह से अत्याधुनिक व्यवस्थाओं से लैस हैं, इनके यहाँ कोविड आइसोलेशन बेड सरकार ने बनाने के निर्देश दिए, तब इन्होंने कोविड के मरीजों का इलाज शुरू किया। लेकिन जिस तरह से लापरवाही की बात आ रही है, लगभग इन चारों अस्पतालों में कमर 48 लोगों की अब तक मौतें हो चुकी हैं, जो कहीं ना कहीं ये बड़ा चिंतनीय है। सरकार ने इसकी जांच के लिए कल लखनऊ के जिलाधिकारी और उनके पूरे अमले के साथ ये लगाया गया कि आप इन चारों अस्पतालों की जांच करें। लखनऊ के जिलाधिकारी ने इन चारों अस्पतालों की जांच की और भारी गड़बड़ी पाई जी। कोविड के जो मानक हैं, कोविड-19 के, वो मानक का पालन इन अस्पतालों में नहीं किया जा रहा जी। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो गाइडलाइन थी, जो दिशा निर्देश था उत्तर प्रदेश सरकार का, जिलाधिकारी का, वो दिशा निर्देशों का भी पालन नहीं किया जा रहा। और अभी कुछ अस्पतालों से ये खबरें मिल रही थी कि यहाँ पे जो मरीज डेड बॉडी आती है, यानी कि देहांत हो जाता है, उनसे वो भारी मात्रा में बिल बना के देते हैं और धन वसूले जाते हैं।
और जब तक नहीं देते हैं तब तक उनकी जो है पैसे नहीं जमा हो जाते हैं, तब तक वो डेड बॉडी नहीं देते जी। ये भी लगातार शिकायतें मिल रही। तो प्रशासन ने निर्णय लिया कि चारों अस्पतालों की गहनता से जांच की जाए, पूरी छानबीन की जाए, कोविड नियमों का ये पालन करते हैं कि नहीं करते हैं, किस तरह से मरीजों को ये भर्ती करते हैं। तो ये उस दशा में ये प्रयास था और जिलाधिकारी ने निश्चित रूप से सराहनीय कार्य किया है। और अभिषेक प्रसाद स्वयं इन्होंने जांच कराई, जांच में बहुत सारी कमियां पाई और उत्तर प्रदेश में जो नया एक्ट बना है महामारी एक्ट जी, बिल्कुल भट्टी, लेकिन जिस तरह बात की जाए किसी एक जी भट्टी, ये किसी एक अस्पताल का मामला नहीं है, चार बड़े प्राइवेट अस्पताल जो कि नामी ग्रामी अस्पताल है और एक मरीज का मामला नहीं है, 48 के 48 मरीजों से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। इस तरह देखा जाए तो चरक अस्पताल से 10, चंदन में 11, मेयो हॉस्पिटल में 10 और अपोलो से 17 मरीज नॉन कोविड अस्पताल से कोविड अस्पताल भेजे गए जिनकी मृत्यु हो गई है। एक बड़ी लापरवाही चारों अस्पतालों में साइंस जो है सामान्य देखने को मिली है, तो क्या वजह मानी जाए? क्या गाइडलाइन का ये अस्पताल पालन कर नहीं करते दिखाई दिए, या फिर कहीं ना कहीं बड़े अस्पताल होने का खामियाजा इन मरीजों को भुगतना पड़ा है? नहीं कमर, सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो ये अस्पताल लखनऊ के नामचीन अस्पताल जी, और इनकी जो नर्स अप्रेंटिस रही है यानी इनकी जो वर्किंग रही है वो पूरी तरह से इसी तरह रही है कि मरीजों का धनादोहन कर, ये लगातार इन अस्पतालों की शिकायत मिली है और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया है, उच्च स्तर के अधिकारी इसको संज्ञान में लिए हैं और जिस तरह से इन अस्पतालों ने लगातार कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं किया है और जिस तरह से नॉन कोविड अस्पताल से कोविड अस्पताल में उन तमाम मरीजों को भर्ती किया गया और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, उनकी संख्या भी आपके सामने है, तो सरकार ने इनकी जांच करानी चाहिए और जांच कराया गया, उसमें सीधे तौर पर यह निकल कर आया कि इनकी बड़ी लापरवाही। तो निश्चित रूप से अगर कोई नामचीन अस्पताल, कोई बड़ा अस्पताल अगर इस तरह की लापरवाही कोविड के मरीजों के साथ करता है तो निश्चित रूप से वो महामारी एक्ट अधिनियम जो उत्तर प्रदेश में अभी ये एक्ट बना है उसके अंतर्गत आता है। तो निश्चित रूप से जिलाधिकारी द्वारा सीधे तौर पर यह कहना है कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जिस तरह से ये नॉन कोविड और कोविड अस्पतालों में आए मरीज उनकी देखभाल नहीं हुई, ये तमाम जांच का विषय है। लेकिन हाल फिलहाल 48 मरीजों की मृत्यु हुई है, यह भी बड़ा दुखद है। अस्पताल किस तरह का इलाज कर रहे हैं, किस तरह की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं और किस तरह का गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कि नहीं है, जो कोविड के नियम बनाए गए हैं जिला प्रशासन द्वारा उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं, ये कहीं ना कहीं जिलाधिकारी को लगा कि इन अस्पतालों द्वारा इन तमाम चीजों का पालन नहीं किया जा रहा और उनके पास कई शिकायतें भी आई जी। उसी के क्रम में जो है इन अस्पतालों की जांच हुई और जांच करने के बाद इस तरह की कार्रवाई। बिल्कुल, कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है। प्रशासन का खुद यह कहना है कि सभी मरीजों की मौत के पीछे कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही प्रतीत होती दिखाई दे रही है। क्या लगता है जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारी ने इस बात को लेकर कहा है और कार्रवाई भी की गई है, कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है, इन चारों अस्पतालों का क्या कुछ रुख देखने को मिला है? आपने बात की अस्पताल प्रबंधन से? कमर, सीधे तौर पर सबसे पहले तो ये जो अस्पताल हैं कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए कि गरीबों का इलाज करने में वो अपने आप को किनारा कर, धनादोहन का एक तरीका है इनके पास। अब निश्चित रूप से जो मरीज अगर गरीब है वो भर्ती होता है, भर्ती होने के बाद फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी भी नहीं दी जाती जब तक कि वो बिल ना पेमेंट कर दे, और वो बिल हजारों में नहीं लाखों में होता है। ये समस्याएं जिला प्रशासन के सामने भी आई कि कोविड से मरे हुए मरीज की डेड बॉडी भी नहीं दे रहे, तो ये तमाम शिकायतें उनके पास ऑलरेडी पहले से थी। अब उन्होंने जिस तरह से जांच की उस जांच में कहीं ना कहीं ये नामचीन अस्पताल जो है वो दोषी पाए गए और उसके बाद जिला प्रशासन ने इनको नोटिस जारी की। निश्चित रूप से आगे चल के जो है वो कहीं ना कहीं अगर इनके खिलाफ कोई तथ्य निकल कर आता है तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी और नया धारा जो बनी है महामारी है उसमें भी कार्रवाई हो सकती। लेकिन एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि पहले प्राइवेट अस्पताल कोविड का इलाज करने के सक्षम नहीं थे, अपने आप को कहीं ना कहीं वो तैयार नहीं कर पा रहे थे कि कोविड के मरीजों का इलाज करना है, लेकिन जब जिला प्रशासन ने, जिलाधिकारी ने, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया, कई बार हमने आपके माध्यम से
अपने चैनल के माध्यम से अपने व्यूवर्स को बताया भी था कि जो तो प्राइवेट अस्पताल हैं पूरी तरह बंद कर दिए गए थे, फिर अचानक खोले गए, सरकार के पास जो सुविधाएं थी वो सीमित थी। तो ये हुआ कि प्राइवेट कॉलेजों में कहीं ना कहीं, प्राइवेट अस्पतालों में कहीं ना कहीं, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं और प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं, इसमें कोविड 19 के मरीजों का अलग सेक्शन बनाया जाए और उनका इलाज किया जाए। चलिए बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया है, कार्रवाई की गई, जांच की गई, पड़ताल की गई, उसके बाद स्पष्टीकरण मांगा गया है, कारण बताओ नोटिस दिया गया, क्या कुछ अस्पताल का रुख देखने को मिलता है? एक नहीं बल्कि चार अस्पतालों से जुड़ा हुआ ये बड़ा मामला है। बजट जुड़ने की तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। तो कोविड 19 को लेकर देखा जाए तो अलग अलग प्रदेशों से कई खबरें निकल कर सामने आ रही हैं और अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो यहाँ हमने बात की उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर चार बड़े नामचीन अस्पतालों में 48 मरीजों की मौत हो गई है और इस मामले ने तूल पकड़ा और प्रशासन ने एक्शन लिया और कारण बताओ नोटिस इन अस्पतालों को दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि अस्पताल की तरफ से क्या कुछ रुख देखने को मिलेगा और कोविड 19 मरीजों